देश के बुनियादी ढांचे के विकास को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी नीतियों ने परिवहन के परिदृश्य को पूर्णतः बदल दिया है। इसमें जलमार्ग परिवहन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। नदियों के देश भारत में 10 साल पहले मात्र 5 जलमार्ग हुआ करते थे और वो नौगम्य भी नहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने जलमार्ग परिवहन की आवश्यकता को पहचाना और 111 जलमार्गों के विकास का बीड़ा उठाया। इसी कारण आज जलमार्ग विकसित भारत का नया सामर्थ्य बनकर उभर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले कई वर्षों में भारत में जलमार्ग विकास का एक नया अध्याय लिखा गया, जिसके अंतर्गत वाराणसी, साहिबगंज एवं हल्दिया में मल्टी मोडल टर्मिनल एवं राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर फरक्का में नए लॉक गेट का निर्माण किया गया। इसके साथ ही पूरे देश में कई नदियों पर छोटे बड़े इंटर मोडल टर्मिनल और सामुदायिक जेटियों का निर्माण किया गया, जिससे यात्री परिवहन एवं माल ढुलाई आसानी से हो सके। रेल एवं सड़क यातायात की तुलना में जलमार्ग यातायात न्यूनतम लागत एवं कम प्रदूषण वाला माध्यम है, जो प्रधानमंत्री जी के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। आज पश्चिम बंगाल में मल्टी मोडल टर्मिनल, यूपी और बिहार में फ्लोटिंग जेटी, असम में मैरीटाइम स्किल सेंटर, सी प्रिपेयर सेंटर, टर्मिनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ऐसे 1000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। जलमार्गों के अभूतपूर्व विकास के फलस्वरूप यात्री परिवहन एवं माल ढुलाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2013-14 में राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा कुल माल ढुलाई 18 मिलियन टन से 600% वृद्धि के साथ 2022-23 में 126 मिलियन टन तक पहुंच गया है। साथ ही माल उतारने और चढ़ाने की क्षमता में प्रति वर्ष 8.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जलमार्ग विकास के जरिए जनता की जो क्षमता, जनता की शक्ति दुगुना बढ़ाने के लिए और उनके उपार्जन और उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए, सशक्तिकरण के लिए जो हमें दिशा दी है, जो भीषण दी है, उसी भीषण को साकार करने में हमारा मंत्रालय लगे हुए है। काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से पश्चिम बंगाल के औद्योगिक नगर हल्दिया को जोड़ने के लिए जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विश्व बैंक की तकनीकी एवं आर्थिक मदद से गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को विकसित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। जलमार्ग विकास परियोजना मुख्य रूप से व्यापारिक और औद्योगिक कार्गो परिवहन तक सीमित है। स्थानीय समुदायों, किसानों, छोटे व्यापारियों की आवश्यकता को पूरा करने और स्थानीय लोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थ गंगा जलमार्ग विकास परियोजना 2 की शुरुआत की गई। जलमार्ग विकास परियोजना 2 की शुरुआत छोटे व सीमांत किसानों, मत्स्य इकाइयों, असंगठित कृषि इकाइयों, बागवानों, फूलों के उत्पादकों एवं कारीगरों को सस्ता एवं सुगम यातायात का साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्हें आजीविका के बेहतर स्रोत मुहैया कराने के उद्देश्य से की गई है। इन घाटों में रैंप, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधाएं, टिकट काउंटर, व्यवस्थापक कक्ष, सोलर लाइट जैसी सुविधाएं हैं। जेएमवीपी 2 के अंतर्गत भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में गंगा नदी के किनारे रहने वाले 7.5 करोड़ से अधिक लोगों के लाभ के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर 60 से अधिक सामुदायिक जेटी का निर्माण कर रहा है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में अब तक 27 सामुदायिक जेटियों का निर्माण किया गया है और उनमें आवाजाही सुनिश्चित की गई है, जबकि पश्चिम बंगाल में 11 HDPE और 4 कंक्रीट जेटी के निर्माण की प्रक्रिया चालू है। बिहार में 9 करोड़ रुपए की लागत पर 5 स्टील जेटियों का निर्माण दीघा, नकटा दियारा, राघोपुर दियारा, हसनपुर और बाढ़ में किया गया है। वहीं 5.5 करोड़ रुपए की लागत पर 9 HDPE जेटियों का निर्माण महुली घाट, पानापुर, नसीरीगंज, कच्ची दरगाह, मुंगेर, सुल्तानगंज, अगुआनी, रामरेखा घाट और मनिहारी में किया गया है। इसके अलावा झारखंड के राधानगर और सिंघही दालान में भी स्टील जेटी का निर्माण किया गया है। माहुली घाट सहित बिहार के 14 स्थानों पर गंगा नदी पर सामुदायिक जेटियों का उद्घाटन किया जा रहा है।
और सिन्हा घाट एवं आरा के खासपुर के सामुदायिक जेटियों का शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही बिहार के फ्लोटिंग पॉन्टून ब्रिजेस को अत्याधुनिक डिजाइन के क्विक पॉन्टून ओपनिंग मैकेनिज्म सिस्टम से लैस किया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय जलमार्ग एक पर जहाजों की आवाजाही सुगम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त पटना के निकट दीघा से मझुआ तक की 95 किलोमीटर जलमार्ग पर ड्रेजिंग की जाएगी, जिससे राष्ट्रीय जलमार्ग एक पर बड़े जहाजों का आवागमन सुचारू रूप से हो सकेगा। सामुदायिक जटियों का निर्माण देश के लाखों व्यापारियों, विभिन्न समुदायों और आम लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, परिवहन के अन्य साधनों पर पड़ रहे दबाव को कम करने और स्थानीय व्यवसायियों को आपस में जोड़ने में सामुदायिक जेटियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो देश की आर्थिक प्रगति को एक नई दिशा प्रदान करेगा।